इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल वेल। यह एक क्वांटम फेनोमिनन है जो फिजिकल केमिस्ट्री और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के ही सिलेबस में है। यह एक बॉक्स है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो डिफाइन की है और इसके अंदर एम मास का एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, यह ऐसा हमने एज्यूम किया है। एंड आउटसाइड दिस वॉल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेल के बाहर या बॉक्स के बाहर पार्टिकल नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो हमें ये पता लग गया कि जो पार्टिकल है जिसका मास एम है वो केवल ए डिस्टेंस में मोशन कर सकता है एंड आउटसाइड दिस ये मोशन नहीं कर सकता, इसलिए इनसाइड द बॉक्स या वेल हम वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं क्योंकि जहाँ पर वी इक्वल्स टू जीरो होता है वहाँ पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है पार्टिकल के लिए, लेकिन जहाँ पर वी इक्वल्स टू इन्फिनिट होता है वहाँ पर वेव फंक्शन जीरो होता है। इसका मतलब वेव फंक्शन यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा। तो हमने डिफाइन किया जब एक्स छोटा है जीरो से यानी कि आउटसाइड दिस और जब बड़ा है ए से एंड आउटसाइड दिस वेव फंक्शन जीरो होगा क्योंकि यहाँ के लिए वी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इक्वल्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर भी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ओनली मोशन कर सकता है इस बॉक्स के अंदर जिसको हमने बोला है पोटेंशियल वेल। साई इक्वल्स टू जीरो एट वी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर भी जीरो होगा और यहाँ पर भी जीरो होगा। अब इसी के लिए ये जो पार्टिकल जिसका मास एम है मोशन कर रहा है इसके लिए हमको इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। लिखेंगे जब एक्स बड़ा है जीरो से और छोटा है ए से यानी कि यहाँ पर, तब वेव फंक्शन साई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पर वी क्या है, जीरो है क्योंकि वी जीरो है इसलिए साई जीरो नहीं होगा और यहाँ पर वी इन्फिनिटी है इसलिए साई जीरो है, ये आपको याद रखना है। तो हमको इसी के लिए लिखनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम जानते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू जीरो, जहां पर ई होती है काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी, जहां पर एम है पार्टिकल का मास एंड एच है प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पर x इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मोशन ओनली हमने x डायरेक्शन में माना है, वन डायमेंशनल बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। अब इस वाले टर्म को हमने मान लिया अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर तभी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई, इसको मान लिया इक्वेशन वन। अब हमको पता है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, और इसका जो सॉल्यूशन होता है मैथमेटिकली वो ये होता है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट हैं या एम्पलीट्यूड हैं जिनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर ये इक्वेशन आ गई तो हम ऑटोमेटिकली ये लिख सकते हैं, जहाँ पर साई क्या है, एक वेव फंक्शन है इस पार्टिकल के लिए। अब हमको पता है बाउंड्री कंडीशन, जब एक्स बराबर जीरो तो साई बराबर जीरो होता है क्योंकि यहाँ पर इस बाउंड्री पर इस बाउंड्री पर जब x बराबर जीरो है तो साई क्या है, जीरो है। ये कंडीशन हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x इक्वल्स टू जीरो तो साई भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि v क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर पुट करेंगे जीरो और जहाँ पर भी x की वैल्यू है वहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, जीरो इक्वल्स टू ए साइन जीरो प्लस वी कॉस जीरो। हम जानते हैं साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए ये वाली टर्म तो जीरो हो गई और कोस जीरो होता है वन, कोस जीरो वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं बी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें ये बात पता लगी कि पोटेंशियल वेल या बॉक्स के अंदर एम्पलीट्यूड बी नहीं है, इसलिए इसमें ये वाला फंक्शन तो जीरो हो गया क्योंकि बी की वैल्यू जीरो आ चुकी है, इस सिचुएशन में ए जीरो नहीं होगा। तो हमारे पास में जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा वो ओनली इतना रहेगा क्योंकि बाउंड्री कंडीशन के लिए ये वाली वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि बी इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे और ये आ जाएगा साई इज इक्वल्स टू ए साइन अल्फा एक्स, जो कि इस पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन होगा। ये तो जीरो हो चुका है। अब हम जानते हैं दूसरी कंडीशन, जब एक्स बराबर ए है इस फंक्शन पर तब भी साई क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर यह आउटसाइड दिस साई जीरो है,
इसी कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया x इक्वल्स टू ए, साइज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर साइज जीरो पुट कर दिया और यहाँ पर ए पुट कर दिया, ये दोनों कंडीशन। अब हम जानते हैं जब साइज एल्फा ए जीरो होता है तो एन पाई पर हमेशा ये जीरो ही मिलता है, साइन एन पाई के लिए हमेशा जीरो मिलता है जहां पर एक इंटीजर नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो हम एल्फा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन पाई अपॉन ए, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एन पाई पर हमेशा क्या होता है जीरो होता है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एल्फा इज इक्वल्स टू आ गया एन पाई अपॉन ए, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करने पर एल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू एल्फा स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू भी क्या है एल्फा स्क्वायर, तो इक्वेशन 2 और 4 से, 4 और 2 से, ये भी एल्फा स्क्वायर ये भी एल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स क्या होंगी बराबर होंगी, हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से निकाल देंगे ई की वैल्यू, ये सब इधर ले जाएंगे और पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, ई इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma² जहाँ पर ए है थिकनेस ऑफ द बॉक्स या बोल सकते हैं पोटेंशियल वेल, और ये कहलाती है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल की इतनी एनर्जी होगी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर की, जहां पर एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं जो एनर्जी होती है आइगन वैल्यू होती है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पर एच कॉन्स्टेंट है एम कॉन्स्टेंट है और ए भी क्या है कॉन्स्टेंट और 8 भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर जो ये एनर्जी होती है मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। अब ये बात तो आ गई एनर्जी मिल गई, अब हमको निकालना है वेव फंक्शन, तो फिर हम इक्वेशन 3 देखेंगे, यहाँ पर ये वाली एल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर यह आ जाएगा साइज इक्वल्स टू ए साइन, एल्फा की वैल्यू होती है एन पाई अपॉन ए, यहाँ पर पुट कर देंगे साइज इक्वल्स टू आ जाएगा ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स, ये आ जाएगा वेव फंक्शन, ये होता है आइगन फंक्शन और ये होती है आइगन वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर। अब हम चाहें तो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन से इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन हम जानते हैं कि लिमिट कितनी है जीरो से ए, डेल स्क्वायर साई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन, साई का मोड का स्क्वायर सॉरी। अब यहाँ पर साई की वैल्यू हमको पता है पुट कर देंगे, ये कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इससे हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो साई की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन, लिमिट जीरो से ए इसलिए है क्योंकि पार्टिकल जीरो से ए तक ही मूव कर सकता है। अब देखेंगे साइन स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 - cos² अपॉन 2a, दैट मीन्स ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स बराबर होता है 1 - cos² इंटू बाई 2, तो यहाँ पर हमने 2 बाहर लिख दिया और a कॉन्स्टेंट है इसको भी बाहर लिख दिया। अब देखेंगे जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है करने पर, क्योंकि लिमिट जीरो से a है, cos की वैल्यू जीरो हो जाती है और यहाँ पर ओनली dx dA बचता है, तो इस पूरे टर्म को आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस पूरे टर्म को a लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन फंक्शन है, अगर आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई a। अब इसको इस साइड लेके चले गए तो यह आ जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन a, जहाँ पर a क्या थी थिकनेस थी, हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जितनी यहाँ पर ये थिकनेस बॉक्स की ज़्यादा होगी उतना ही एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और जितनी थिकनेस कम होगी उतना ही एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इक्वेशन 5 में, तो ये आ जाएगा साइज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स। आप देख सकते हैं ये होता है वेव फंक्शन और ये होती है आइगन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल जो इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। कई बार आपसे पूछा जाता है जीरो पॉइंट एनर्जी, तो जब एन इज इक्वल्स टू वन होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, ऑलवेज रिमेंबर एन इज इक्वल्स टू वन पर, क्योंकि एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर एन जीरो हुआ तो वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर यह हुआ कि इसके अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही खो जाएगा, इसलिए एन डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एन कभी भी जीरो नहीं होता है, तो एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सो एन इज इक्वल्स टू 1 पर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। थैंक यू।